अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नीलम नवाब। आप देख रहे हैं पाक 22 न्यूज़ एसटी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। डिप्टी ब्यूरो चीफ यासिर अली की रिपोर्ट के मुताबिक एफएफसी के ज़ेरे एहतमाम मकामी मैरिज हाल में मूंगफली की मुनाफा बख्श काश के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। डायरेक्टर जनरल ज़राअत मोहम्मद नवाज खान मेकन और इंचार्ज एफएफसी ज़रई शोबा फार्म एडवाइजरी सेंटर सगोदा मोहम्मद तारिक का खिताब। डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब मोहम्मद नवाज खान मेकन और इंचार्ज एफएफसी ज़रई शोबा फार्म एडवाइजरी सेंटर सरगोदा मोहम्मद तारिक ने एफएफसी के ज़ेरे एहतमाम मकामी मैरिज हाल में खिताब करते हुए कहा कि मूंगफली की फसल बराती इलाकों की अहम तरीन फसल है। पाकिस्तान की ज़मीनें मूंगफली की पैदावार के लिए बहुत मौजू हैं और हम मूंगफली की पैदावार में खुद कफालत की तरफ गामजन हैं, लेकिन अभी सालाना 2 अरब से ज़ायद की मूंगफली पाकिस्तान हर साल दरामद करता है। पाकिस्तान में मूंगफली की औसत पैदावार सिर्फ 10 मन की एकड़ है, जबकि पैदावारी सलाहियत 50 मन फी एकड़ से भी ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि खादों के मुतवादन इस्तेमाल के जरिए पाकिस्तान में मूंगफली की पैदावार में 50% से ज़्यादा का इजाफा मुमकिन है। मूंगफली की 50 मन या इससे ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए आधी बोरी यूरिया, 1 बोरी SOP और 1.5 से 2 बोरी DAP खाद की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ 7.5 किलोग्राम सोना जंक और 3 किलोग्राम सोना बुरान खाद फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। तकरीब से दूसरे मुकर्ररीन ने भी खिताब किया।